नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। बच्चे के सिराने अंगीठी और मुल्ला जी के मुंह में सीटी, ये कभी भी नहीं रखनी चाहिए, वरना दुर्घटना कभी भी घट सकती है। पाकिस्तानी अवाम ने अगस्त 2018 में यही किया था, जिसके बाद इमरान उन्हीं की सीटी से उनकी सिट्टी पिट्टी गुम किए हैं। पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में जहां पाकिस्तान को भिखारी और जाहिलों का देश बनाया, वही कूटनीतिक मोर्चे पर मदरसा मुल्क का बंटाधार कर दिया। हालत यह है कि गवारू और तस्री पकड़ने वाली जनता अब इमरान खान को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी है। कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक ने कल से लाहौर की सड़कों पर उत्पात मचाया हुआ है। इस संगठन ने ऐलान कर दिया है कि जब तक फ्रांस के राजदूत को देश से नहीं निकाला जाएगा, उनका बवाल जारी रहेगा। यह प्रदर्शन इतना जबरदस्त है कि पूरी इमरान सरकार सख्ते में आ गई है। न सिर्फ सख्ते में आई, बल्कि कट्टरपंथियों की धमकी से डरकर इमरान ने देश की नेशनल असेंबली में फ्रांस के राजदूत के देश से निकाला करने को लेकर प्रस्ताव भी पेश कर दिया। इस प्रस्ताव को लाने का फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में की गई बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें पाकिस्तान के कानून मंत्री फरोज नसीम, आंतरिक मंत्री शेख रशीद, धार्मिक मामलों के मंत्री नूरुल हक कादरी और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। चरमपंथी और झाड़ू छाप मुल्लाओं की मंडी बन चुका पाकिस्तान ईद के पहले फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव के जरिए इमरान खान सरकार संसद में एक आम राय कायम करना चाहती है। अगर संसद में सभी इस फैसले से सहमत हो जाते हैं तो पाकिस्तान फ्रांस के साथ संबंध तोड़ सकता है। दरअसल पाकिस्तान के जाहिल लोग फ्रांस की मैगजीन शार्लो हब्दी में प्रकाशित किए गए मोहम्मद के विवादित कार्टून से चिढ़े हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के इस्लामिक आतंकवाद पर दिए गए बयान को लेकर भी पाकिस्तानी संसद में निंदा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने फ्रांसी राजदूत को तलब कर विरोध भी जताया था। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने फ्रांस में पिछले साल जुलाई से अपने स्थायी राजदूत को नियुक्त ही नहीं किया है। फ्रांस में पाकिस्तान के अंतिम राजदूत मोइन उल हक थे, जिन्हें पिछले साल चीन का राजदूत बना दिया गया था। तब से फ्रांस में पाकिस्तान का कोई राजदूत नहीं है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने 10 महीने बाद भी इस पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। आपको बता दें कि तहरीके लब्बैक वही चरमपंथी इस्लामिक राजनीतिक दल है जिसने पिछले साल मुहम्मद के कार्टून के मुद्दे पर पाकिस्तान में जमकर बवाल काटा था। तब पाक सरकार ने इस संगठन को भरोसा दिलाया था कि 20 अप्रैल से पहले फ्रांस के राजदूत को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह संगठन इस निंदा कानून के समर्थन में भी आंदोलन करता रहा है। इस संगठन का नेतृत्व खादिम हुसैन रिजवी करते रहे हैं। इस्लामिक आंदोलन के रूप में इसका गठन 1 अगस्त 2015 को कराची में हुआ था, जो धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश करता चला गया। इसका मुख्य मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामिक गणराज्य बनाना है जो शरीयत मोहम्मदी के अनुसार चल सके। पिछले साल 19 नवंबर को खादिम हुसैन रिजवी हुरो की खोज में चला गया, जिसके बाद टीएलपी की कमान खादिम के लोंडे साद हुसैन रिजवी ने संभाल रखी है। देश में फ्रांस के खिलाफ फिर से भड़की आग ने इमरान सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। मुश्किल यह है कि पाकिस्तान पहले ही दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। चीन को छोड़कर किसी भी देश के साथ उसके बेहतर रिश्ते नहीं चल रहे हैं। ऐसे में अगर वह जनता के दबाव में आकर फ्रांस से रिश्ते तोड़ते हैं तो इससे दुनिया भर में एक गलत संदेश जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में फ्रांस निर्मित मिराज लड़ाकू विमान और कई अन्य फ्रांसीसी हथियार हैं, जिनके कलपुर्जों के लिए वह पूरी तरह फ्रांस पर आश्रित है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के काफी टोपीबाज फ्रांस में रहते हैं, जिनसे देश के खजाने को अच्छा खासा रेमिटेंस यानी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसके अलावा फ्रांस रबड़ उत्पाद का एक बड़ा निर्यातक देश है, जिनसे पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पहिए घूमते हैं। फ्रांस से रिश्ते खत्म होते ही मैक्रों सरकार की तरफ से कठोर एक्शन होना तय है। इमरान लोंडा उसी एक्शन के डर से एडवांस में पाकिस्तान में 54 प्रास की फैक्ट्री लगवा रहा है। पिछले साल जब पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ गधैया नृत्य किए गए थे, तब नवंबर 2020 में पाकिस्तान ने अपने मिराज फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और अगस्टा 90 बी पनडुब्बियों को अपग्रेड करने के लिए फ्रांस से मदद मांगी थी, लेकिन भड़के फ्रांस ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के पास इस वक्त 150 मिराज फाइटर जेट हैं, लेकिन उनमें से आधे ही काम के लायक रह गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस ने अपने मित्र देश कतर से भी कहा था कि पाकिस्तानी मूल के टेक्नीशियंस को अपने फाइटर जेट पर काम न करने दें, क्योंकि फाइटर के बारे में तकनीकी जानकारी पाकिस्तान को लीक कर सकते हैं। फ्रांस ने पाकिस्तानी शरणार्थियों को भगाने के लिए भी कड़ा अभियान चलाया हुआ है। 18 साल के पाकिस्तानी मूल के मुसलमान आतंकी अली हसन द्वारा शार्ली हेब्दो के पुराने दफ्तर के बाहर 2 लोगों पर हमले के बाद फ्रांस ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि फ्रांस में जाने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी आप भीख मांगने के उद्देश्य से जॉर्डन के रास्ते फ्रांस में घुसते हैं।
फिर यहीं पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। फ्रांस के लोकतांत्रिक देश होने की वजह से इन्होंने मस्जिदों को आतंकवाद का अड्डा बना लिया है और अपनी आबादी बढ़ाकर वोट बैंक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर धरने और प्रदर्शन आयोजित करने का तरीके लब्बैक का पुराना इतिहास है। इस आतंकी संगठन का फ्रांस की मुस्लिम परिषद से भी कनेक्शन रहा है। मुस्लिम परिषद 9 अलग अलग फ्रांसी मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करती है। यह परिषद फ्रांस के लोकतंत्र की आड़ में जिहाद और कट्टरपंथ का प्रसार करने के लिए भी बदनाम है। फ्रांस में 60 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन यह मुसलमान खुद को फ्रेंच कहलवाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि जालीदार टोपी लगाकर अपनी अलग पहचान प्रदर्शित करते रहे हैं। तहरीके लब्बैक और पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मिलकर फ्रांसीसी मुसलमानों को चरमपंथी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। फ्रांसिस पूरी साजिश से वाकिफ हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों पर उसने सख्ताई बरतना शुरू किया है। फ्रांस ने पाकिस्तानियों के वीजा हासिल करने वालों पर कड़े नियम थोप दिए हैं, जिससे तहरीके लब्बैक और आईएसआई के लोगों का फ्रांस में घुसना मुश्किल हो गया है। चीन के बाद फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने का साहस दिखाया है। 2004 में फ्रांस ने स्कूलों में बुर्का पहनने पर रोक लगा दी थी, और ऐसा करने वाला फ्रांस शायद दुनिया का पहला देश था, वह भी तब जबकि फ्रांस में बेहद मजबूत लोकतंत्र है, जबकि इस्लामिक आतंकवाद लोकतांत्रिक देशों में सबसे अधिक फला फूला है। फ्रांस में बुर्का बैन के बाद अब तक 50 से ज्यादा हमले हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी घटना 2015 में शार्ली हेब्दो दफ्तर पर हमला था, जिसके बाद मुस्लिम आतंकवाद का फ्रांस एक नया एपिक सेंटर बनकर उभरा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी नर्सरी पाकिस्तान में संचालित होती है। यहां सिर्फ गवार और झाड़ू छाप बुल्ला ही आतंकवाद के स्रोत नहीं है, बल्कि देश का पूरा तंत्र इसी बलबूते चलता है और दुनिया में कट्टरपंथ का प्रसार करता है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि देश के तमाम आतंकी और चरमपंथी संगठन पाक सेना द्वारा संचालित होते हैं। सेना की इजाजत के बिना इस देश में पत्ता भी नहीं हिलता है, इसलिए टोपीबाजों द्वारा या होने वाले बकरी कुदान पाकिस्तानी सेना की सह पर ही होते हैं। पाकिस्तान पर जब तब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है, वह पुराने संगठनों को हाशिए पर कर देता है और नए संगठनों से पुराने मुसलमान आतंकियों को जोड़ देता है। तहरीके लब्बैक, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद के पुराने मुसलमान आतंकियों का समूह है, जिसके 2809 सदस्य बताए जाते हैं। इस संगठन द्वारा ताजा बवाल का संबंध सेना द्वारा इमरान सरकार पर दबाव बनाने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यह दबाव इमरान सरकार के किंग मेकर कहे जाने वाले जहांगीर तरीन की वजह से बनाया जा रहा है। जहांगीर ने इमरान सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, मगर उनके ऊपर लगे चीनी घोटाले के आरोप के कारण उन्हें जांच का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इमरान ने उन्हें पूरी तरह किनारे कर दिया है। जहांगीर तरीन के सेना से मजबूत रिश्ते रहे हैं, ऐसे में इमरान खान कुएं और खाई के बीच फंसते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।